मैनू रब मिलया, मैनू सब मिलया, मैनू जब मिलया है तू। मैनू हक मिलया, रूह तक मिलया, मैनू जब मिलया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा, बस एक तू ही अपना लगदा, तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे। ओ सोने YouTube चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस 16:9 वाली रेशियो को ले लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड कर लेंगे। तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्टार्ट पोजिशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पर एंड पोजिशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। ओके, इसके बाद इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको फन ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें मैनी सर्कल्स वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ इन सारे पिक्चर्स की विग्नेट को ऑन कर लेंगे। एंड इसके बाद इसमें ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसके बाद क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है, इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ब्लू कलर ऑलरेडी ऐड हो गया है तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे ये ग्रीन फ्रेम चेंज होगी वैसे वैसे बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये फ्रेम ख़त्म हुई तो नेक्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर आ गई है एंड इसके बाद जहाँ तक ये फ्रेम रहेगी तो नेक्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर की ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही सारे की ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, एंड लास्ट वाले को जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है वहाँ से इसको लास्ट में ट्रिम कर लेंगे राइट साइड में एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो के रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ले लेंगे एंड इसकी साइज को 35 सेकंड्स तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड फिर से क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है, इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ग्रीन कलर को ऐड कर लेंगे एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं
ओके, इसके बाद जैसे जैसे बैकग्राउंड पिक्चर चेंज होगी वैसे वैसे हम लोग फ्रेम में भी पिक्चर को चेंज कर लेंगे। तो जो अभी फर्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर है उसको हम लोग रख लेते हैं फ्रेम में। एंड इसको सेंड टू बैक कर लेंगे। एंड इसको यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं एंड इस फ्रेम में रख लेंगे। एंड जैसे यहाँ पे ये वाली फ्रेम ख़त्म होगी तो इस पिक्चर को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड यहाँ जो नेक्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर आएगी उसको ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से एंड तक सारे पिक्चर्स को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो मैं अभी इसको रहने देती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट वीडियो प्रोजेक्ट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको स्क्रीन करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था सर्कल वाली शेप में, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसको सर्कल वाली शेप में क्रॉप कर लेंगे एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को इस फ्रेम में रख लेते हैं। एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने कपल नेम को ऐड किया था, तो जो भी आपकी नेम होगी वो ऐड कर लेना। यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं। एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इस टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर लेना एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुमसे।